हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बनाने वाले हैं स्क्वाड हाउस। वीडियो को आखिर तक देखना, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। वीडियो बहुत लंबी बनी थी, मैंने इसे काट काट के इतना छोटा कर दिया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और वीडियो को आखिर तक देखना। हेलो गाइस, तो अब मैंने ब्रिक लगाने शुरू कर दिए हैं। अब ब्रिक लगाने के बाद आपसे मिलूंगा और आप देखना एंड में घर के लोग एक एक चीज़ पबजी के स्क्वाड हाउस जैसी होने वाली है। बस एंड तक देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमने पूरी दीवार खड़ी कर ली है। ये डोर के लिए हम रास्ता दे रहे हैं और अब नीचे की ज़मीन बिछाएंगे, मतलब वो ब्रिक लगाएंगे नीचे सॉफ्ट स्टोन, और फिर हमारा घर और अच्छा लगने लगेगा। तो गाइस, मैंने अब घर के नीचे ब्रिक्स लगाने शुरू कर दिए हैं। घर का बेस तैयार हो जाएगा, फिर हम आपसे मिलेंगे और देखते हैं घर की लुक कैसी लगे। घर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। तो यार लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और अच्छा नहीं लगे तो तीनों चीज़ें कर देना, फिर से तीनों चीज़ें कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना है। आगे हम और वीडियो डालते रहेंगे। अब आगे चल के देखते हैं। तो सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो, हम नीचे भी ब्रिक्स लगा चुके हैं पूरे उसमें। अब हम अपने घर के और इधर को एक्सटेंड करना शुरू करते हैं। जो साइड में कोई रूम होता है वो बनाएंगे, वो भी बहुत बढ़िया बनने वाला है। वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश पूरी पूरी करी है और अच्छी ही बनी होगी। बस आप लाइक कर देना। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, हमारे पूरे घर की ये वॉल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे बेस डालना है और अब घर की लुक ऐसी हो जाएगी। फिर स्टेयर्स का काम रहेगा और फिर सेकंड फ्लोर देखेंगे अपना कैसा रहता है बनने में। और यार ग्राफिक्स कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ग्राफिक्स अच्छे लगे हो तो कमेंट करना, अच्छे लगे हैं और इससे अच्छे चाहिए तो बताना। देखेंगे जो कर सकते हैं वो करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हमारा ही नीचे का फ्लोरिंग भी हो चुकी है और ये अब हम दीवार उठा रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हम कौन कौन से गेम खेलें, और कमेंट करते रहिए, ऐसे ही बने रहिए। हम और वीडियो लाते रहेंगे, नए नए अपडेट आपको एंटरटेन करते रहेंगे।
तो देखिए गाइस, जैसा कि हमने कहा, हमने वो पीछे वाली दीवार पूरी कर ली है। अब हम यहाँ पे विंडो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा पबजी में ऐसी विंडो होती हैं जहाँ से बंदे पीछे के बंदों को मारते हैं। स्नाइपिंग तो खैर नहीं कर सकते, क्योंकि स्नाइपिंग तो ऊँची जगह से होती है। और गाइस, हम अगली वीडियो हो सकता है पबजी की लाएँ, उसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम यहाँ पे स्टेयर्स का काम शुरू करते हैं। और स्टेयर्स बनानी यार बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं चल पाता कि कहाँ से बनानी है स्टेयर्स। देखते हैं कहाँ से बनानी है। ये विंडो थोड़ी गलत हो गई थी, तो मैंने इसलिए थोड़ी, अब यहाँ पे पहले तो स्टेयर्स ले लो। कहाँ है ये रे, सॉफ्ट स्टोन की लगा देते हैं। हाँ सही है, सॉफ्ट स्टोन की ले लो, कोई अच्छी नहीं लगेगी यहाँ पे। सॉफ्ट स्टोन लो यहाँ से, ये यहाँ से ठीक रहेगा। तीन अच्छी नहीं लग रही, दो अच्छे लगेंगे। हाँ दो ज़रा अच्छे लगेंगे होंगे। वो ये जो अच्छा लगे वो करो। तो गाइज़, अब मैं मिलता हूँ आपको स्टेयर्स लगाने के बाद। तो गाइज़, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हमारी स्टेयर्स का काम भी कंप्लीट होने वाला है। भाई यार देखो, वीडियो बहुत ही लंबी बनी थी, इसलिए मुझे ऐसे स्किप करना पड़ लिया है। आप प्लीज़ इसे इग्नोर मारें और वीडियो को आखिर तक देखते रहें। ये वीडियो बहुत लंबी बनी थी, मुझे भी खुद अजीब लग रहा है इतनी काटनी पड़ रही है वीडियो। अब भी वीडियो बहुत लंबी है, मैं और काट रहा हूँ, देखते हैं क्या कर सकते। गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हमारी ऊपर की फ्लोरिंग भी तैयार हो गई है। अब अंदर ये देखो मॉब्स स्पॉन हो गए, क्रीपर चूरन कहीं का आ गया, इस पर फेंकनी चाहिए। देखो फेरो, इस पर फेरो 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 फेरो, मर जा अब, मरने का क्या लगा, मर मर। और यार अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे पूरी सीरीज लाऊं, तो वो भी कमेंट करो, बस जो चाहिए वो कमेंट करो, हम ऐसे ही करेंगे। और गाइस, अब घर और काम शुरू करते हैं, घर में लैंप लगाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, करना है घर में। ये मैंने कौन सा स्टोन लगा दिया। तो गाइस देखो, मैंने यहाँ पे ये पूरी वॉल तैयार कर ली है, क्योंकि कुछ इतना ख़ास नहीं था। जैसे नीचे ब्रिक लग रहा था, ऐसे ब्रिक्स के ऊपर को, जैसे नीचे ब्रिक्स दिखेंगे आपको, ऐसे उसके ऊपर को जितना आपको ऊंचा करना हो इतना ऊंचा उठा देना। मैंने तो 5 ब्लॉक्स उठाया है, हर दीवार मतलब 4 हो जाती है, वो एक की फ्लोरिंग आ जाती है तो वो 4 हो जाती है। मैंने हर ब्लॉक 5 उठाया है। आप अगर बना रहे हैं तो आप भी ऐसे कर देते हैं। अब हम ऊपर की स्टेयर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे ब्रिक्स लगा दें, यहाँ पे एक स्टेयर लग जा। अरे मैं ही खड़ा था उस पर, ये लगी। अब हम आपसे मिलते हैं ये स्टेयर्स लगाने के बाद। यार मैं खुद वीडियो स्किप नहीं करना चाहता हूँ गाइस, आपको बहुत अजीब लग रहा है, एकदम मैं बात कर रहा हूँ करते करते एकदम कटी वीडियो यहाँ आ गई, बहुत अजीब है। मगर वीडियो इतनी लंबी थी, मुझे काटनी पड़ रही है गाइस। यार उस बात को छोड़ो, होता है ऐसे।
तो गाइस देखिए, जैसे आप मैं कह रहा था कि ये ऐसे करना है, ये हमारा घर बेहतर लगने लगा है पहले से। स्टेयर्स मैंने पूरी कंप्लीट कर ली, अब हमें डोर्स लगाने हैं। तो डोर्स कौन से अच्छे लगेंगे यहाँ पे? पबजी जैसे डोर्स तो खैर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मतलब माइनक्राफ्ट में नहीं है जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं। इससे ये वाले डोर नहीं, ये अच्छे नहीं लगेंगे, ये सही लगेंगे, यही लगा देते हैं। ये लो डोर, ये एक यहाँ पे सही, और यहाँ पे उस साइड से जाके लगाना पड़ेगा। इतने हम इस रूम का कर लेते हैं डोर। यहाँ पर तोड़ो, ये तोड़ो, ये लगा दो यहाँ पे। ये गए हम अंदर, और मैं यहाँ की खिड़की बनाना तो भूल ही गया। चलो अब बना देते हैं, कोई इतनी कोई वो बड़ी बात नहीं है। और ये तोड़ा, ये तोड़ा, यहाँ पे ये बंद कर दो, ये वाली नहीं, थोड़ी इधर को खिसकाएंगे राइट साइड को, ये और ये और ये और ये ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे एक हमें लगानी है पेंटिंग, पेंटिंग लगी होती है तो यहाँ पे ऐसे ब्लॉक दो लग गई। यार क्या हो रहा है ये आज? ये सही है, यहाँ पे एक ब्लॉक की ऐसी इतनी बड़ी पेंटिंग होती है, एक जितना माइनक्राफ्ट में एक ब्लॉक होता है, तो हमने वो भी लगा दी है। बिल्कुल यार, घर बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश करी भाई। आप लाइक करोगे ना तो और दिल में अच्छा करने की वो होती है, और वीडियो जल्दी जल्दी लाने की। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप जल्दी देखना चाहोगे, आप लाइक करोगे हमें जल्दी देखने की, जल्दी बनाने की वीडियो। वो होगी कि आप जल्दी बनाएं और देखेंगे लोग, और लाइक्स आएंगे वीडियो पे, तो हम भी और जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और ये कहाँ से टूट गया? ये दरवाज़ा खोलो, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये नीचे चलते हैं, नीचे भी अभी एक पेंटिंग लगानी है, वो भी लगाते हैं अभी। और यार ये यहाँ पे ये टूटा हुआ है, ये तोड़ो, ये लगाओ यहाँ पे ब्रिक्स ब्रिक्स। यहाँ पे लंबी लंबी सी खिड़की होती है, आपने देखी होगी, वो भी हम बनाते हैं। और पतली खिड़कियाँ होती हैं यहाँ पे, ध्यान से देखी होगी आपने तो, पतली खिड़कियाँ होती हैं, वो पतली ही बनाने वाले हैं हम यही लगा देते हैं इस बार। तो यही है हमारे पास, तो यही लगा देते हैं। वैसे इसकी लुक भी कुछ बुरी नहीं लग रही, हाँ सही। यहाँ पे ये, यहाँ पे इनका लग गया, यहाँ पे इसे तोड़ दो, ये भी तोड़ दो। अब हमारे घर में क्या रह गया? हमारे घर में अंदर, इस घर में गेट, इस कमरे में गेट रह गया। यहाँ पे एक ब्लॉक टूटा हुआ, ये लगा दो। यहाँ पे ये खिड़की जो है, वो मैं एक आपको बात बता दूँ, ये जो है मुझसे एक गलती हो गई थी। ये कमरा थोड़ा छोटा बनाना था मुझे, मतलब छोटा बन गया था मुझसे, आगे को थोड़ा एक्सटेंड करना था। और याद आया कि यहाँ की ये वॉल तोड़ के थोड़े पीछे को खिसकानी है, तो क्या करते हैं अब, मिलते हैं आपसे वॉल तोड़ के उधर को खिसकाने के बाद। तो गाइस देखो, हमारी वॉल ये टूट चुकी है, ये दरवाजा है कि नहीं, जैसे पहले करा था ऐसे ही करो। यहाँ पे विंडो बनानी है, ये मैंने कहा तोड़ दिया, ये तोड़ना है। और अब हमें ये तोड़ो, ये तोड़ के यहाँ पे भी तोड़ना है, और यहाँ पे लैंप तो थोड़ी रोशनी रखे। आप ये मैं समझना कि भाई पबजी में तो ऐसे लैंप नहीं होते, ये क्यों लगा रहा है भाई यहाँ पे? तो अगर ये लैंप नहीं लगाएंगे तो मॉब स्पॉन हो जाएंगे, और अगर क्रीपर स्पॉन हो गया तो सारी करी कराई मैंने, तो पानी फिर दाया। यार ये पेंटिंग दो ब्लॉक की हो गई, ये तोड़ना पड़ेगा। अब ये लगाओ, ये तोड़ दो यहाँ से, ये लगाई एक ब्लॉक की सही। अब यार लुक घर की ऐसी आई है भाई, अब देखो लुक घर की इतनी अच्छी आ गई है कि लाइक करना बनता है। अगर लाइक आपने नहीं करा ना
अच्छी बात नहीं है, लोग घर के ऐसी है कि लाइक करना तो बनता है घर के लोग पर। बिल्कुल टिट्टो ऐसी हो गया। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कैसे इसे और अच्छा कर सकता था। वैसे तो बन गया है, अभी ऊपर की फ्लोर, अभी ऊपर की सीलिंग भी करनी है और फ्लोर भी करना है। अभी अभी ऐसा नहीं है कि कम काम रह गया, अभी भी बहुत काम है। देखते हैं और कितना कितना काम रहेगा, यहाँ पे नहीं है। बस जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने ऊपर की दीवारें भी उठा दी हैं, लेकिन यार मैंने इसलिए इतना स्किप कर दिया, ऊपर कुछ खास था नहीं। जैसे नीचे उठाई है ऐसे ऊपर उठानी थी। अब हम फ्लोरिंग कर रहे हैं, फ्लोरिंग भी स्किप कर देंगे क्योंकि फ्लोरिंग भी आपको बोर करेगी, आप लोग बोर होना चाहते नहीं हो, इसलिए हम फ्लोरिंग भी स्किप कर देंगे। और फिर आपसे मिलेंगे फ्लोरिंग होने के बाद। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमारी फ्लोरिंग भी कंप्लीट होने वाली है, स्टेयर्स भी बन चुकी हैं ऊपर के लिए। बस अब हमारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। घर के लोग आपको दिखाएंगे और पूरा घर का टूर देंगे। और मेन बात इसकी, हम जैसे पबजी घर में लूट पड़ी होती है, ऐसे हम इस घर में लूट भी डालेंगे। वो आप सोचिए कैसे डालेंगे, और कमेंट करिए और फिर देखिए कि हमने कैसे लूट डाली है। यहाँ पे लूट भी बहुत बढ़िया डालने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अब हम घर में थोड़ी रोशनी का काम कर रहे हैं। घर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऊपर को यहाँ से स्टेयर जा रही हैं जैसे पबजी में जाती हैं। और घर में अभी अलमीरा भी रखनी है, अब भी कुछ काम रह गया है वो भी पूरा करना है। और फिर आपको आखिरी लुक और टूर दिखाएंगे जैसे कि मैंने पहले बोला। और आपको अब हम मिलते हैं और काम करने के सो बाद। गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बस अब हमें बैरल मिल जाए, अब हम अपना अलमीरा का काम शुरू करेंगे। और बैरल लेने के बाद अलमीरा लगाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, छः यहाँ पर होती है ना ऐसे, एक साइड को अलमीरा और यहाँ पे भी कुछ करना है। नीचे भी अलमीरा होती है, सिंगल अलमीरा होती है नीचे। यहाँ पे पहले लैंप लगाओ, बहुत अंधेरा हो रहा है। ये बंद करो। यहाँ पे खिड़की होती है, वो जो होती है ना छोटी सी खिड़की, आपने देखा होगा। ये कहाँ से आ गई चोरा? नीचे चल, नीचे चल। अब हम नीचे आ गए और यहाँ पे ये जो कोना है ना इस साइड का, ये यहाँ पे हमें वो रखनी है अलमीरा। पहले यहाँ पे जो वो देखे हैं हमने, दो बॉक्स रखे होते हैं। एक सेकंड, मैं एक काम बोल रहा हूँ। क्या काम? क्राउच करना पड़ेगा, क्राउच। मैं काम बोल, हाँ ये दीवार बनानी, दीवार बनानी। यहाँ पे ब्रिक्स अभी रखे थे, बैरल ली थी ब्रिक्स के बदले, ब्रिक्स का काम आ गया। ये है माइनक्राफ्ट, जो चीज़ रखो उसका ही काम आ जाता।
चलो देखते हैं अब क्या क्या करना है। और अभी दीवार बनाए। तो सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, अब हम यहाँ पे बना रहे हैं ये छोटा सा जीने के ऊपर को बाउंड्री सी होती है बड़ी सी, हम वो बना रहे हैं। और बस घर का काम कंप्लीट ही है। आप देखना लुक कैसी है घर की, घर का टूर देने वाला हूँ अब मैं आपको। और देखते रहिए वीडियो बस पूरी होने में। अब ये बना लो, बस ये एक साइड इसकी रह गई है, ये कंप्लीट कर लेता हूँ। अब आपने देखा होगा यहाँ से जब हम गेट में से एंट्री मारते हैं तो यहाँ पे एक वो होती है बाउंड्री सी होती है, एक ब्लॉक मतलब माइनक्राफ्ट में तो एक ब्लॉक की ऊंची मानी जाएगी वो। और यार पूरा घर डिट्टो ऐसे ही बनाने की कोशिश करिए जैसा होता है, मगर डिट्टो ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि माइनक्राफ्ट में जितने रिसोर्सेज हैं इतने ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं जैसे माइनक्राफ्ट में रिसोर्सेज हैं। अब यार आप देखो बिल्कुल लगता तो घर ऐसी है। अब आप और कमेंट कर देना कि आपको घर कैसा लगा, डिट्टो ऐसी है या थोड़ी बहुत जहाँ भी कमी रह गई हो वहाँ पे मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। और यह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करो, उन्हें भी दिखाओ। और अगर आप चाहते हो ये घर मैं सर्वाइवल में बनाऊँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि ये घर सर्वाइवल में बनाना है वो भी बनाऊँगा मैं, मगर उसके लिए ज़रा दो तीन वीडियो बनानी पड़ेंगी क्योंकि अब इसमें बस हमें यहाँ पे मटेरियल ये बहुत लगता है, वो लगानी बहुत है बाउंड्री जो इसकी लोहे की होती है। और लोहे के ग्राफिक्स देखें कैसा लगता है कि लोहा हमारा, बस यहाँ पे ये बाउंड्री लगाने के बाद लोहे की लग जा ऐसे 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 ऐसे। यार घर में लुक आती जा रही है धीरे धीरे, जैसे ऐसे कंप्लीट होता जा रहा है घर। अभी हमें कारपेट भी बिछानी है इस घर में, अभी काफ़ी ज़्यादा काम है तो मैं आपको अब वो काम करने के बाद मिलता हूँ क्योंकि वीडियो जैसे मैंने आपको बताया बहुत लंबी हो जाएगी। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारे घर की फाइनल लुक कैसी है, एकदम बिंदास। यहाँ पे जल्दी से स्टेयर्स डालता हूँ और घर के अंदर चलते हैं। मैंने पूरा काम कर लिया मगर यहाँ पे स्टेयर्स डालने में भूल गया हूँ। ये दोनों उल्टी लग गई यार, सीधी लग, जल्दी घर में को जाना। लग जा, लगी 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 लगी, सही है सही है सही है, सही होता जा रहा है घर का हमारा काम। अब बस ये हमें पूरी स्टेयर ये वाली बाद में लगा देंगे। और यार हम एक और वीडियो डालने वाले माइनक्राफ्ट के जल्दी, वो दो तीन वीडियो में पूरा होगा वो बिल्ड, तो उस बिल्ड को भी देखना, लाइक करना, अपने दोस्तों में पहुंचाना। और यार इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब में पहुँचा दो। और देखो ये कारपेट का काम मैंने बोला था ना, कारपेट डली तो ये वो कारपेट डल गई। अब हमें यहाँ पे लूट डालनी है जैसे मैंने आपसे पहले बोला था वीडियो में लूट को, तो ये आइटम फ्रेम आप समझ रहे होगे क्या क्या करना है जो खेलते हैं माइनक्राफ्ट। ये लिए हमने स्वॉर्ड, ये लिए एक एम्बो एरो, और यहाँ पे एक आइटम फ्रेम, दो आइटम फ्रेम, तीन आइटम फ्रेम, यहाँ पे एक में बो, ए दो में एरो एरो। और अक्सर आपने देखा होगा अंदर वाले इस कमरे में वो पड़ी होती है हेल्थ किट, तो हमें वो हेल्थ किट डालनी है अब अंदर कमरे में। यहाँ पे ये हेल्थ माइनक्राफ्ट में बढ़ती है खाने से, तो भाई जिससे हेल्थ बढ़ती है वो ही डालना होगा। तो अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं थोड़ा मटन
और दो चीज़ें रहेंगी तो अच्छा रहेगा, फिश फिश डाल देते हैं। ये यहाँ पे ये आ गया और चलो भैया चलो उड़ के चलो चलो जल्दी पहुँचेंगे। चलो यहाँ पे बहुत अंधेरा, एक लैंप दो लैंप सही है यार, ग्राफिक्स में तो और अच्छी लग रही है, और अच्छा लग रहा है ये घर। और यहाँ पे हमें यहाँ पे अक्सर वेस्ट वेस्ट मिलती थी मुझे, मैं जब भी जाता था तो यहाँ पे आइटम फ्रेम आइटम फ्रेम आइटम फ्रेम, हेलमेट जस्ट हेलमेट, ये अब ये, और यहाँ पे एक पिक एक्स डाल देंगे, एक एक्स एक पिक एक्स। तो सो गाइस हमारा घर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में पहुँचाओ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चिल्ड्रन टेक।